हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। लेट्स टॉक अबाउट बेबी रेंडियर। ये जो सीरीज है, इट इज इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। एक्चुअल में एक लेडी थी जो एक आदमी से इतनी ऑब्सेस्ड हो गई थी कि ऑलमोस्ट 3 साल तक वो उसको स्टॉक कर रही थी, एंड वो भी काफी अग्रेसिवली। अब ये सीरीज में जो मार्था का कैरेक्टर दिखाया गया है, रिसेंटली अ वुमन केम फॉरवर्ड स्टेटिंग दैट कि उस पर ये कहानी बेस्ड है, एंड दिस इज अ लाई। She never stalked that person, instead he was stalking her. And वो इतना obsessed था उससे कि अभी सालों बाद उसके ऊपर पूरी कहानी उसने लिख दी है, एंड वो फैक्ट्स को मैनिपुलेट कर रहा है। तो कौन यहाँ पे सच बोल रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड। जिन्हें भी बेबी रेनडियर के बारे में नहीं पता, उनके लिए क्विक बैकग्राउंड। इस सीरीज में एक आदमी है जो बारटेंडर एंड कॉमेडियन है। एक दिन जिस बार में वो काम कर रहा रहता है, उसमें ना एक लेडी आ जाती है जिसका नाम मार्था है। वो प्रिटेंड्स टू बी अ लॉयर, पर वो झूठ रहता है। वो काफी सैड एंड लोनली दिखाई देती है, जिस वजह से ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना, वो उसके तरफ काइंडनेस शो करता है। बट ये काइंड बिहेवियर को मार्था एक गलत सिग्नल की तरह ले लेती है, एंड शी फील्स एज इफ दिस गाय इज इंटरेस्टेड इन हर। जिसके बाद डेली वो उसको विजिट करने लग जाती है, देन उसका मेल आईडी कहीं से तो ढूंढ के निकालती है, देन रोज उसे बहुत सारे मेल्स भेजने लग जाती है, एंड मेल्स में वो ऐसे प्रिटेंड करती थी एज इफ दे लव ईच अदर। एक पॉइंट के बाद ये एक्सट्रीमली स्केरी हो जाता है, बिकॉज मार्था जो है ना, वो ये आदमी के पेरेंट्स को भी कॉल करने लग जाती है, देन इसके डैड के वर्क प्लेस पे भी कॉल करके ना झूठे एलिगेशन उसके डैड पे लगाती है। एंड ये सब जब आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, तब एंड में ही डिसाइड्स कि वो पुलिस को इन्वॉल्व करेगा। कहानी का एंड ऐसे दिखाया गया है कि मार्था ना इसके पहले भी कई अलग अलग मेल्स को ऐसे स्टॉक कर चुकी है, एंड आखिर में उसे जेल हो जाता है। मार्था एग्जैक्टली ऐसे क्यों बिहेव करती है, इस पे क्लोजर नहीं मिला है, बट हाँ, इट इज वेरी क्लियर दैट शी हैज सम डीप रूटेड इश्यूज। एक वॉइस मेल से ना उसका थोड़ा चाइल्डहुड कैसा था ये पता चलता है। बचपन में हर पेरेंट्स यूज टू फाइट अलॉट, जिस चीज ने उसे काफी अफेक्ट किया है। ऐसे ओपन एंडेड थियोरीज दिए गए हैं। एंड जब वो छोटी थी ना, तब उसके पास एक टॉय था, बेबी रेनडियर, जो हमेशा वो होल्ड करके रखती, अपने पास रखती। एंड वो टॉय की तरह ना उसे ये आदमी के फीचर्स दिखाई दे रहे थे, इस वजह से वो ये आदमी को भी ना बेबी रेनडियर करके एड्रेस करने लग गई थी। अब ये पूरे कहानी में ना सिर्फ मार्था मेस्टअप चीजें नहीं कर रही थी, ये आदमी भी ना कई गलत डिसीजंस लेते हुए दिखाई दिया है। इसने स्टॉकिंग बिहेवियर को ना कभी इनिशियली रोका ही नहीं, इंस्टेड कई साल तक ना ये टॉलरेट करता रहा। बहुत लेट जाके ना उसने पुलिस को इन्वॉल्व किया। एनीवेज, शॉकिंग फैक्टर यहाँ पे ये है कि मार्था जस्ट कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, शी इज अ रियल पर्सन जिसके ऊपर ये कहानी बनाई गई है। तो एक्चुअल स्टोरी क्या है, किसके बारे में है, चलिए जानते हैं। तो ये रिचर्ड गार्ड, ही इज अ कॉमेडियन, एंड 2015 में ही फेस दिस प्रॉब्लम वेर इन अ मिडिल एज्ड वुमन स्टार्टेड स्टॉकिंग हिम। रिचर्ड जो है वो एक पब में काम करता था, एंड एक दिन उसने एक लेडी को देखा हु सीम्ड सैड एंड डिस्टर्ब्ड। वो उसके पब में आई थी, एंड आउट ऑफ काइंडनेस ना उसने उसके साथ कॉन्वर्सेशन किया। बट ये एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन 3 ईयर्स के स्टॉकिंग में बदल जाएगा, इसका आइडिया रिचर्ड को बिल्कुल नहीं था। ये बोला जाता है कि ये लेडी को ना कुछ तो मेंटल इश्यूज थे, वो अपने माइंड में ही ना सिनेरियोस क्रिएट करती थी। एंड रिचर्ड को उसने 3 साल के स्पैन में ऑलमोस्ट 41,000 मेल्स, 350 hours वर्थ ऑफ वॉइस मेल्स, 744 ट्वीट्स, 46 फेसबुक मैसेज एंड 106 पेजेस ऑफ लेटर्स भेजे थे, और ये सब जस्ट एक कॉन्वर्सेशन की वजह से। इनिशियली रिचर्ड के जो फ्रेंड्स थे ना पब में, उनको वो हार्मलेस लगती, उन्हें ऐसा लगता कि वो सिर्फ इंटरेस्टेड है रिचर्ड में, इसलिए बार बार आती है। बट धीरे धीरे करके क्या होने लगा ना, कि ये लेडी अजीब वे से बिहेव करने लगी। उसने कहीं से तो रिचर्ड का मेल ढूंढ लिया, फिर फोन नंबर ढूंढ लिया, एंड उसके बाद से रिचर्ड का फोन कभी बचना बंद ही नहीं हुआ, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस मेल्स वो भेजती रहती। देन रिचर्ड का एड्रेस भी उसने ढूंढ निकाला था। उसके घर में वो अजीब अजीब से गिफ्ट्स भेजती, कभी स्लीपिंग पिल्स, कभी हैट, बॉक्सर शॉर्ट्स, एंड एक बार उसने रेनडियर टॉय भी भेज दिया था। ये स्टॉकिंग अभी एग्रेसिव होता जा रहा था, एंड जब रिचर्ड ट्राइड कन्फ्रंटिंग दिस वुमन कि जो ये सिनेरियोज वो बना रही है वो सिर्फ उसके दिमाग में है, उसके बाद ये लेडी का ना एक अलग ही नेचर रिचर्ड को देखने मिला। इनिशियली वो स्वीट एंड इनोसेंट टाइप से एक्ट कर रही थी, बट रिचर्ड ने जब उसको कन्फ्रंट किया, उसके बाद वो काफी ज्यादा रूड हो गई। लेजिट उसे वो हरास करने लगी, उसके घर के बाहर उसका वेट करती, एंड रस्ते पे जोर जोर से चिल्ला के ना उसको अब्यूज करती। उसके वर्क प्लेस पे वो जाती, अगर कोई कॉमेडी क्लब में रिचर्ड का शो होता तो वहां पे पहुंच जाती, सो दैट ऑडियंस के बीच में बैठ के ना वो उसको हरास कर पाए। इवन रिचर्ड के पेरेंट्स को भी ना वो परेशान करने लगी थी। उस फेज में ना रिचर्ड एक ट्रांस वुमन को भी डेट कर रहा था, एंड जैसे ही स्टॉकर को उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में समझा, उसने उसको भी हरास किया, उसको टॉर्मेंट किया। कई सारी ऐसी चीजें उसकी गर्लफ्रेंड को बोली, जिस वजह से उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। ये स्टॉकिंग एंड ऑब्सेसिव बिहेवियर 3 साल से भी ज्यादा वक्त तक ना रिचर्ड ने फेस किया। अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि व्हाई वाज ही टॉलरेटिंग ऑल दिस, पुलिस के पास वो क्यों नहीं गया। तो इसके पीछे एक रीजन था, यह आदमी के साथ कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ था जिस वजह से ही वॉज एक्सट्रीमली अफेक्टेड। 2015 के पहले ना रिचर्ड स्ट्रगल कर रहा था, उसका राइटर बनने का सपना था,
एंड उसी वजह से ना वो कई जगह काम भी ढूंढ रहा था। तभी उसकी पहचान ना इस इंडस्ट्री के एक फेमस राइटर से हुई। अभी उस राइटर का नाम कभी रिवील नहीं किया गया, बट रिचर्ड के अकॉर्डिंग उस राइटर ने प्रॉमिस किया था उसे कि वो उसे काम देगा, बिकॉज उसके टैलेंट से ना वो काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड है, जिस वजह से ना वो बार बार रिचर्ड को अपने घर में बुलाता ये होप्स देख के कि वो लोग साथ में काम करेंगे। बट रिचर्ड को क्या पता था कि आदमी ना उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है। वो उसको अपने घर में बुलाता सब्सटेंस देता लेने के लिए, एंड रिचर्ड जब होश में इतना नहीं रहता ना तब सेंशली उसे अब्यूज किया गया था, एंड तभी वो जस्ट अपने अर्ली 20s में था। एंड ये जो चीज उसके साथ हुई थी ना, दिस अफेक्टेड हिम अलॉट, एंड वो अजीब वे से बिहेव करने लगा था। बट उसके आसपास वाले ना उसके बिहेवियर को समझ नहीं पा रहे थे, उसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे। एंड वो जो फेमस राइटर था ना, वो रिचर्ड को सिर्फ यूज कर रहा था, काम के बहाने बार बार उससे मिलने का ट्राई कर रहा था। एंड सून आफ्टर दिस इंसिडेंट उसके लाइफ में ये स्टॉकर आई, एंड रिचर्ड ऑलवेज थॉट कि ये ऐसे क्यों बिहेव करती है, क्या वो लोनली है या क्या वो जस्ट एक इनोसेंट पर्सन है हु हैज बीन रॉन्ग, जिसके साथ कुछ तो गलत हुआ है एंड उसको मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है। ही क्लियरली न्यू दैट वो जो औरत कर रही है ना, दैट इज रॉन्ग, उसका जो बिहेवियर है वो नॉर्मल नहीं है। बट इसके बारे में वो पुलिस को बताने के लिए रेडी नहीं था, बिकॉज कहीं ना कहीं उसको उस लेडी के लिए बुरा फील हो रहा था। एंड अथॉरिटीज के पास जाने से पहले ही थॉट कि वो खुद शायद ये सब हैंडल कर सकता है, उसको फिक्स कर सकता है, बट इवेंचुअली ही रियलाइज्ड इट वाज अ बैड आइडिया एंड उसे अथॉरिटीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। देन एक इंटरव्यू में ना रिचर्ड ने ये क्लेरिफाई भी किया कि फिल्मों में जैसे देखने मिलता है कि इजीली पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, आपका केस सॉल्व हो जाता है, वैसे नहीं रहता। वो लोग सीरियसली ऐसे केस नहीं लेते, कई सारे प्रोसीजर्स होते हैं अगर आपको इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कराना है तो। सो इट टेक्स टाइम, एंड हेंस फॉर 3 long years ये चीज उसने झेली। पर रियल लाइफ में इट इज नॉट क्लियर कि ये जो स्टॉकर थी ना वो जेल गई थी कि नहीं, बिकॉज ऑफकोर्स सीरीज में ना कुछ चीजें ड्रामाटाइज करके दिखाई गई है। फिर ये सीरीज जब रिलीज हो गया ना, उसके बाद लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू किया कि कौन है ये मार्था, बिकॉज मार्था का रियल नाम ना कभी भी रिचर्ड ने रिवील नहीं किया था, एंड उसने बोला भी था कि वो उसका नाम रिवील नहीं करेगा। बट देन आउट ऑफ नोवेयर फियोना हार्वी करके एक लेडी ना मीडिया में आती है। अभी फियोना का फोटोज जब सोशल मीडिया पे लोगों ने देखा, तब जल्दी से उन्होंने लिंक बिठा लिया कि बेबी रेनडियर की जो मार्था है वो कैरेक्टर इससे इंस्पायर्ड है, शी वॉज दी स्टॉकर। अभी इंटरव्यू में फियोना सेड दैट शी इज वेरी एंग्री ऑन रिचर्ड एंड नेटफ्लिक्स, जैसे उन्होंने उसको पोर्ट्रे किया है, दैट इज नॉट ट्रू। वो स्टॉकर नहीं है, उसने स्टॉक नहीं किया है रिचर्ड को, इंस्टेड रिचर्ड उसको स्टॉक करता था। वो इतना ऑब्सेस्ड है उससे कि एक पूरी कहानी उस पर उसने लिख दी, उसकी तरह दिखने वाली एक्ट्रेस को भी उसने कास्ट किया। बट कहीं ना ये इंटरव्यू के दौरान वो खुद ही एक्सपोज हो गई, बिकॉज होस्ट ने जब उससे पूछा कि हैव यू एवर सेंड मेल्स टू रिचर्ड, तब इनिशियली उसने डिनाई किया कि नहीं मैंने नहीं भेजा है मेल्स उसको। बट नेक्स्ट मोमेंट पे ही वो अपना स्टेटमेंट चेंज कर देती है सेइंग दैट कि हाँ थोड़े बहुत ईमेल्स मैंने यहाँ वहाँ भेजे होंगे। I don't think I sent him anything. You never said him anything? No. I think there may have been a couple of emails exchanging, but that... Then tweets के बारे में जब उससे पूछा गया, तब she said कि 18-14 ट्वीट्स उसने किए होंगे, जिस पे होस्ट ने पॉइंट आउट किया कि वो भी काफी ज्यादा है। देन यही इंटरव्यू में ना जब उससे पूछा गया था दैट उसने कभी क्या रिचर्ड की गर्लफ्रेंड को हरास किया है, तो इस पे जो उसने आंसर दिया ना उससे उसका पर्सनालिटी समझ आता है। शी सेड आई डोंट थिंक ही हैड अ गर्लफ्रेंड, आई थिंक उसे लड़के पसंद थे। अभी एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स ना फियोना के यहाँ पे रिपीट नहीं किए जा रहे, बट यही कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रही थी। देन एक स्टेटमेंट शी गेव जहाँ पे वो बोल रही थी दैट रिचर्ड इज साइकोटिक, देन इवन उसने ये भी बोला दैट ही वांटेड टू स्लीप विद हर, बट उसने ना बोल दिया। एट टाइम्स वो उससे ये भी पूछता कि वुड आई लाइक माई कर्टन्स फिक्स्ड, जिसका मीनिंग होता कि क्या रिचर्ड उसके साथ घर आ सकता है। एंड फियोना का यहाँ पे ये कहना था कि एवरी टाइम वो उसको ना बोलती कि वो उसके साथ घर नहीं आ सकता। एंड देन शी ऑल्सो टोल्ड हिम दैट उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। He said, would I like my curtains fixed? And I laughed. And he said, that's a euphemism. Do you want me to come home with you? And I said, I've got a boyfriend. In short, uska yahan pe ye kehna tha ki wo usko ignore kar rahi thi. Usko interest nahi tha usme. और ये कर्टन्स का जो रेफरेंस है ना वो सीरीज में भी दिया गया है। तो ये इंटरव्यू में जो फियोना का बिहेवियर था ना वो देखने के बाद कई लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया दैट वो ऑड वे से बिहेव करती है। एंड कुछ कमेंट्स भी थे जहाँ पे ये लिखा गया था, दे कास्टेड मार्था सो वेल, ऑल साउंड्स लाइक समथिंग मार्था वुड से, दिस वॉज रियली डिस्गस्टिंगली इनअप्रोप्रिएट, इन वॉट अदर कॉन्टेक्स्ट इज इट ओके टू गिव स्पॉटलाइट्स टू अब्यूजर टू गेट देयर टेक ऑन देयर सिचुएशन, व्हाई डिड शी इवन ओपन हर माउथ, नो वन वुड हैव नोन हु शी वाज। अभी सी फियोना हार्वी नाम ना किसको भी नहीं पता था, एंड मे बी रियल मार्था कौन है ये वायरल नहीं जाता कभी भी। दो अकॉर्डिंग टू फियोना सीरीज के रिलीज के बाद उसको लोगों ने ना थ्रेड्स भेजना शुरू किया, मैसेजेस भेजे थे बुरे वाले। बट पॉइंट इज कि अभी ये जो इंटरव्यू उसका देखने मिला है
उसके बाद और भी ज्यादा अटेंशन शी हैज ग्रैब्ड एंड मे बी जो लोग उसको जानते भी नहीं थे अभी तक नाउ दे नो हर। अभी फियोना ने ये भी बोला है दैट शी इज गोइंग टू सू रिचर्ड एंड नेटफ्लिक्स क्योंकि उन्होंने ये सीरीज बनाया। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि रिचर्ड एंड फियोना का ये जो स्टॉकिंग केस है इस पर आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।